कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एक अनाथालय जहाँ पर कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे एक कोका कोला कैन के साथ, जब तक कि एक सिस्टर चंडाल आकर उन्हें अंदर जाने के लिए नहीं बोलती। बच्चे उनसे 2 मिनट और मांगते हैं एक स्कोर और करने के लिए, लेकिन उस चंडाल का दिल नहीं पिघलता। तभी हम एक गाड़ी को देखते हैं जो कि फुल स्पीड में गाने बजाते हुए अनाथालय की तरफ बढ़ रही है, जिसमें से उसमें बैठा आदमी एक झोले को सिस्टर चंडाल की तरफ फेंकता है, जिस पर चंडाल जब उस झोल झमेले को खोलकर देखती है तो उसमें से 2 उंगलियां निकलती है जो कि उसकी गाइंड पर लगती है, जिससे सिस्टर चंडाल दूर जाकर झाड़ियों में गिरती है। तभी अंदर से और भी सिस्टर आ जाती है जो कि देखती है कि उस झोले के अंदर 3 क्यूट से बच्चे हैं, जिनका नाम है पप्पू, आइंस्टाइन, ईट पत्थर और बंधुआ मजदूर, जो कि तीनों बहुत क्यूट थे। इसीलिए सारे सिस्टर आपस में एक दूसरे से बहस करने लगती है कि उन बच्चों की देखरेख मैं करूंगी, मैं करूंगी, मैं करूंगी। आगे 10 साल बीत जाते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि वो बच्चे बहुत ही बड़े लेवल के बावड़ी गाइंड थे और बहुत शरारती भी थे, जिसमें सिस्टर अब उनसे बचने के लिए बहाने ढूंढती है क्योंकि उन तीनों ने सभी की चूचियों में दम कर रखा था। इसीलिए सारी सिस्टर एक मीटिंग करती है जिसमें वो डिसीजन लेते हैं कि वो उन तीनों बच्चों को जल्द से जल्द यहाँ से दूर भेज देंगी। आगे एक फैमिली बच्चों को गोद लेने के लिए अनाथ आश्रम आती है, जिसमें सिस्टर्स एक चलाकी चलती है, वो सभी बच्चों को छुपा देती है सिर्फ उन तीनों को छोड़कर, ताकि वो फैमिली उन तीनों में से ही किसी को गोद ले। प्लान के हिसाब से तीनों बच्चे उस फैमिली को इम्प्रेस करने के लिए अजीब अजीब हरकतें करते हैं। तभी वहाँ पर एक क्यूट सा बच्चा आता है जिसका नाम है जगत झाटू, जो कि देखने में बहुत क्यूट है, और अगर मैं उसकी जगह होता तो जगत झाटू को ही चूज करता, लेकिन वो फैमिली चूज करती है पप्पू आइंस्टाइन को, जिससे वो काफी खुश था लेकिन साथ ही साथ वो दुखी भी था क्योंकि उसके दोस्तों को गोद नहीं लिया गया था। रास्ते में हम फिर से पप्पू आइंस्टाइन को देखते हैं जो अपने दोस्तों से थोड़ा ही दूर आया था और उन्हें अभी से मिस करने लगा था। फेक डैडी उससे कहते हैं आज तुम्हारा बर्थडे है क्योंकि आज हमने तुमको गोद लिया है, तो बताओ तुम क्या गिफ्ट मांगते हो, तुम जो भी मांगोगे हम तुमको दिला देंगे, जिसमें वो उनसे कहता है कि मैं चाहता हूँ आप बंधुआ मजदूर और ईंट पत्थर को भी गोद ले लो, जो सुनकर उसकी फेक मोम को बहुत दुख पहुंचता है कि उसने 3 बच्चों को अलग कर दिया जो कि आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे, जिससे होता यह है कि वो फिर से अनाथालय जाते हैं और पप्पू आइंस्टाइन की गाइंड पर लात मारकर उसे वहीं छोड़ देते हैं कि रह यही भोसड़ी के अपने दोस्तों के साथ, और वो जगत झाटू को गोद ले लेते हैं। पप्पू चिल्लाता हुआ गाड़ी के पीछे दौड़ता है, मम्मी प्लीज, पापा प्लीज, लेकिन उन्होंने अपना डिसीजन ले लिया था कि उन्हें कोई चूतिया नहीं चाहिए। आगे कहानी शिफ्ट होती है 25 साल बाद और अब वो तीनों बड़े हो चुके हैं, बोले तो बड़े बावड़ी गाइंड हो चुके हैं, जो कि अभी भी अनाथालय में ही रहते हैं और सिर्फ मुफ्त की रोटियां ही तोड़ते हैं। आगे सिस्टर उन्हें एक काम देती है जिसमें उन्हें ऊपर चढ़कर चर्च की घंटी को ठीक करना था, लेकिन वो साले एक भी काम ढंग से नहीं करते थे, जिसमें वो उस घंटी को ठीक करते हुए सिस्टर की ही घंटी बजा देते हैं। हम एक और अनाथ को देखते हैं जिसका नाम है मित्सोनी, और अनाथालय में एक बच्ची भी है जो कि बहुत बीमार रहती है जिसका नाम है मर्फ। मित्सोनी मर्फ का सबसे अच्छा दोस्त है, जिन्होंने आपस में वादा किया हुआ है कि वो कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। एक दिन अनाथालय में एक बूढ़ा प्रीस्ट आता है सिस्टर्स को जानकारी देने के लिए कि अनाथालय बंद किया जा रहा है बहुत सारे कर्जे की वजह से, जो कि था $83,000, बोले तो आज के एक्सचेंज रेट के हिसाब से 63,73,185 रुपए, जो कि उन्हें इस महीने के अंत तक पे करने होंगे अगर उन्हें अपना अनाथालय बचाना है तो। अगर वो लोग ऐसा नहीं कर पाए तो अनाथालय की सारी सिस्टर्स को दूसरी जगह भेज दिया जाएगा और बच्चों को फोस्टर होम भेज दिया जाएगा, जिस पर वो तीनों बावली गाइंड कहते हैं जिनके अंदर बच्चों का दिमाग था कि वो इस महीने के अंत तक पैसों का जुगाड़ कर लेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी गाइंड ही क्यों ना पिटवानी पड़े। इसीलिए वो पहली बार अपनी जिंदगी में अनाथालय से बाहर जा रहे थे, जिस पर सिस्टर्स उनके लिए प्रार्थना करती है कि ऊपर वाला उनको रास्ता दिखाए उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। वो तीनों शहर पहुंचने के लिए अपनी साइकिल पर सवार हो जाते हैं और अपनी खोपड़ी का 100% यूज करते हैं, जिसमें वो एक रस्सी को ट्रक के पीछे फंसा देते हैं, लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी थी, उन्होंने रस्सी साइकिल के आगे बांधने की बजाय पीछे बांध दी थी, जिसकी वजह से वो घिसड़ते हुए शहर पहुंचते हैं, जहां वो शहर में $83,000 का काम ढूंढने लग जाते हैं अपने गले में बोर्ड टांग कर। तभी वहां पर चैनी खैनी आती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ जिसका नाम है पेट का दर्द, जिसे वो उन्हें अपना हस्बैंड बताती है और कहती है मैं तुम्हें $83,000 दे दूंगी जिसके बदले तुम्हें मेरे पति को मारना होगा। वो गधे उसके बॉयफ्रेंड से पूछते हैं कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें मरवाना क्यों चाहती है। वो कहता है मैं एक कैंसर का मरीज हूँ, तड़प तड़प के मरने से तो अच्छा ही है कि तुम मुझे झटके में मार दो, जिससे मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरी पत्नी की हो जाएगी और वो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे देगी, लेकिन तुम मुझे अभी मत मारना, रात में जब मैं चद्दर ओढ़कर सो रहा हूँगा तब तुम अंधेरा करके मुझे मारना। दरअसल उन दोनों ने ये प्लान बना रखा था कि रात में जब चेनी खेनी का ओरिजिनल पति उसके बेडरूम में चैन से सो रहा होगा तब ये तीनों अंधेरे में उसकी शक्ल देखे बिना ही उसे मार देंगे और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसकी प्रॉपर्टी से गुलछर्रे उड़ाएगी। पप्पू आइंस्टाइन अपने दिमाग के लोड़े दौड़ाता है और कहता है हम एक दिन और ऐसे ही खराब नहीं कर सकते, क्यों ना हम अपने काम को
अभी अंजाम दे दे, जिसमें बंधुआ मजदूर उसे धक्का दे देता है, जिससे पेट का दर्द चलती बस के सामने आ जाता है, जो कि उसे उड़ा देती है। लेकिन वो बच गया था, तो एक कूड़ा साफ करने वाली गाड़ी उसे रगड़ देती है। चेनी खेनी को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें बहन चोद बहन के लोड़ो मादर चोद तुम किसी काम के नहीं हो, ये बोलकर वहां से चली जाती है। उन्हें अपनी पेमेंट नहीं मिली थी, तो वो उसकी कार को पकड़कर घिसड़ते हुए उसके घर तक पहुंच जाते हैं, जहां पर वो अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। तो वो उससे कहते हैं कि हमने तुम्हारा काम कर दिया है, चलो अब हमें हमारे पैसे दो। चेनी खेनी कहती है बहन के लोड़ो मेरा पति अभी तक मरा नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं पेट का दर्द बच गया है और अभी हॉस्पिटल में है, जिसको मारने के लिए वो तीनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जिसके पूरे शरीर पर डॉक्टरों ने प्लास्टर लपेटा हुआ था। पेट का दर्द अपनी जान बचाने के लिए उनसे कहता है कि जब मैं बस से टकराया तो मेरी लाइलाज बीमारी अपने आप ही खत्म हो गई, इसीलिए मैं अब मरना नहीं चाहता और तुम्हें भी अब मुझे मारने की कोई जरूरत नहीं है। तब तक सिक्योरिटी वाले भी वहां पहुंच जाते हैं, जिनसे बचकर वो हॉस्पिटल से दौड़कर बाहर पहुंचते हैं, जहां वो एक आदमी से टकराते हैं, जो कि वही अनाथ बच्चा है जो कि पप्पू आइंस्टाइन की जगह पर गोद ले लिया गया था, जिसका नाम जगत झाटू था, जो कि उन तीनों को उनके हेयर कट स्टाइल की वजह से पहचान लेता है और उनसे कहता है कि उसकी माँ का निधन हो गया, जिन्होंने मरते वक्त अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी थी, जिस वजह से वो अब एक बहुत अमीर आदमी है, और उनसे कहता है कि क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहो जब तक तुम यहाँ हो। लेकिन बचपन में पप्पू आइंस्टाइन की गाइंड को ठेस पहुंची थी, क्योंकि उस फैमिली ने उसकी जगह जगत झाटू को गोद ले लिया था, इसीलिए वो उसके साथ जाने से इनकार कर देता है। जगत झाटू अपने आईफोन 3 से उनकी एक फोटो लेता है, जिसमें वो गजब की पोज देते हैं। आगे हम चेनी खेनी को देखते हैं, जिसका पति और कोई नहीं अपना जगत झाटू है, जिसे वो उन तीनों बावली गाइंडों से रात के अंधेरे में मरवाना चाहती थी। और उसकी गाइंड तो जब फटती है, जब जगत झाटू उसे अपने तीनों दोस्तों की फोटो दिखाता है और कहता है ये तीनों बचपन में मेरे साथ अनाथालय में रहा करते थे। जिस पर चेनी खेनी सोचती है कि अगर वो उसके पति के दोस्त है तो वो उसका सारा प्लान चौपट कर सकते हैं। आगे पप्पू आइंस्टाइन पैसे कमाने की एक नई योजना बनाता है, जिसमें वो मछलियों की खेती करते हैं, जिनको वो पूरे गोल्फ कोर्स में बिछा देते हैं और उन्हें पौधों की तरह पानी देते हैं। लेकिन उन गाइंड के ढकनों को क्या पता था कि मछलियां पेड़ पर नहीं लगती, इसीलिए मछलियां चुल्लू भर पानी में डूबकर मरने लगती हैं। आगे जब गोल्फ खेलने वाले लोग आते हैं तो वो उन्हें वहां से भगा देते हैं और वो दौड़ते हुए एक बिल्डिंग में घुस जाते हैं, जहां उन्हें पता नहीं था कि वो एक ऑडिटोरियम की स्टेज पर पहुंच गए हैं। तो वो तीनों वहीं स्टेज पर बहुत ही अतरंगी ढंग से लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को दोष देते हैं कि अब उनके पास करने के लिए कुछ नहीं बचा और उनके पास जो पैसे थे वो मछलियों की खेती में खराब हो गए, जिसके बाद ईंट पत्थर और बंधुआ मजदूर गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं। तभी ऑडिटोरियम में बैठी ऑडियंस दबाकर तालियां बजाने लगती है, जो कि उनका ये सारा नाटक देख रही थी, जो कि उन्हें बहुत पसंद आता है क्योंकि उन्होंने एक अतरंगी ही ढंग में लड़ाई की थी, जिसके लिए वो पप्पू आइंस्टाइन को एक रियलिटी शो में जगह देना चाहते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और हम उन दोनों को देखते हैं जो कि आइसक्रीम का बिजनेस करते हैं, लेकिन वो भी फ्लोप हो जाता है। और अब तक पप्पू आइंस्टाइन एक सेलिब्रिटी बन चुका है और जिस शो में वो काम करता है उसका नाम है बिग बॉस की गाइंड में दो लंड, जहां पर वो अपनी बकचोदी कंटिन्यू रखता है और सभी की गांड मारता है, जिससे होता यह है कि शो की रेटिंग बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ ईंट पत्थर और बंधुआ मजदूर पहुंचते हैं जगत झाटू के पिता से मिलने। ये वही बुढ़ा है जिसने आज से कई साल पहले जगत झाटू को गोद लिया था पप्पू आइंस्टाइन के बदले। वो दोनों उससे मदद मांगते हैं कि वो उनके अनाथालय को बचा ले, लेकिन वो उनकी मदद करने से साफ इनकार कर देता है और कहता है मैं सिर्फ तुम्हारी अनाथालय पर केस करने में मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक वकील हूँ। यहाँ पर उन दोनों को जगत झाटू के पिता से ये भी पता चलता है कि उसने पप्पू आइंस्टाइन को गोद इसलिए नहीं लिया क्योंकि पप्पू आइंस्टाइन इन दोनों को चाहता था और वो चाहता था कि उसके पिता इन दोनों को भी गोद ले ले, इसीलिए पप्पू आइंस्टाइन को भी वापस आश्रम छोड़ना पड़ा। वहां से जाने से पहले वो दोनों दीवार पर एक फोटो देखते हैं जिसमें उन्हें चेनी खेनी दिखती है, तो वो काउंटर वाली से पूछते हैं ये कौन है। वो कहती है जगत झाटू की बीवी है, और वो समझ जाते हैं कि उन्हें जिसे मारना था वो जगत झाटू था, ना कि पेट का दर्द। आगे उनको अपने भाई पप्पू आइंस्टाइन की याद आने लगी थी, इसीलिए वो उसे हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिलता। तो वो अपना दिमाग लगाते हैं कि वो शायद अनाथालय वापस चला गया होगा, जहां उन्हें पता चलता है कि मर्फ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, लेकिन सिस्टर उसे हॉस्पिटल नहीं लेकर जा सकती क्योंकि मर्फ के पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं था। तभी वहीं पर बैठी सिस्टर चंडाल को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है बहन के लोड़ो तुम्हारी वजह से ही आज अनाथ आश्रम हमारे हाथ से जा रहा है, क्योंकि पिछले कई सालों से जो तुम नुकसान करते आ रहे हो, जिनका भुगतान अनाथ आश्रम को करना पड़ता था, इसीलिए अनाथ आश्रम आज कर्जे में है, जिसके जिम्मेदार सिर्फ तुम तीनों हो। आगे वो वापस शहर आ जाते हैं, जहां उन्हें टीवी पर एड के दौरान पता चलता है कि उनका भाई पप्पू आइंस्टाइन एक सेलिब्रिटी बन चुका है। तो वो उससे मिलने बिग बॉस के गंडी हाउस पहुंचते हैं, जहां पर पप्पू आइंस्टाइन से मिलकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और उसे बताते हैं कि चेनी खेनी का पति और कोई नहीं अपना जगत झाटू है, जिसे वो मरवाना चाहती थी,
जो सुनते ही पप्पू आइंस्टाइन की चोटी खड़ी हो जाती है और वो चेनी खेनी को रोकने के लिए जगत झाटू के घर पहुंचता है, जहां चेनी खेनी और जगत झाटू की वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी चल रही थी, जिसमें चेनी खेनी और पेट के दर्द ने मिलकर जगत झाटू को मारने की योजना बना रखी थी। जहां पार्टी में वो तीनों पहुंचते ही अपनी गुड़गोबर वाली हरकतें शुरू कर देते हैं, जिससे पार्टी का रुख ही बदल जाता है। और इससे पहले कि चेनी खेनी उन्हें रोक पाती, वो जगत के कमरे तक पहुंच जाते हैं, जो कि अपनी एनिवर्सरी पार्टी में नींद की गोलियां लेकर लोड़े बेचकर चैन से सो रहा था, जो गोलियां उसे उसकी वाइफ चेनी खेनी ने दी थी। पेट के दर्द के पास बंदूक थी तो वो उन पर तान देता है। तभी वहां पर जगत झाटू का फेक डैडी भी पहुंच जाता है, जिसे देखकर वो सभी राहत की सांस लेते हैं और पेट का दर्द अपनी बंदूक नीचे फेंक देता है। तभी हमें पता चलता है कि यही वो बहान चोद है जो कठपुतलियों को चला रहा था, क्योंकि वो सारा प्लान इसी का था और चेनी खेनी पेट के दर्द की गर्लफ्रेंड नहीं, इसकी गर्लफ्रेंड थी। दरअसल जगत झाटू का ये नकली बाप एक गरीब का लोड़ा था, जब तक कि उसने जगत झाटू की मोम से शादी नहीं की थी। लेकिन बाद में सब गड़बड़ हो गई, जगत झाटू को गोद ले लिया गया और जब उसकी मोम मरी तो उसने अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर दी और उसके बाप के हाथ लगा सिर्फ सूखा लोड़ा। इसीलिए वो जगत को मारकर सारी संपत्ति हथियाना चाहता था जिस पर उसका हक था। आगे वो सभी का काम तमाम करने के लिए उन्हें गाड़ी में भरता है और जंगल की तरफ निकल पड़ता है। तभी बंधवा मजदूर हंसने लगता है, जिस पर फेक डैडी उससे पूछता है, बहन के लंड हंस क्यों रहा है? वो कहता है, मैं क्या करूँ, ये मुझे गुदगुदी कर रहा है। और वो अपनी पॉकेट से एक चूहा निकालता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं और गाड़ी अनबैलेंस होकर एक झील में जाकर गिरती है, जिसमें से सभी लोग सुरक्षित बचकर बाहर निकल आते हैं। और तब तक पुलिस भी वहां पहुंच जाती है, जो कि चेनी खेनी, फेक डैडी और पेट के दर्द को गिरफ्तार कर लेते हैं। आगे तीनों जगत झाटू से उनके अनाथालय को बचाने के लिए $83,000 मांगते हैं, लेकिन वो उन्हें साफ साफ मना कर देता है और कहता है, मैं उस अनाथालय की बिल्कुल भी मदद नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे एक ऐसे परिवार को बेच दिया जहां फेक डैडी मुझे मारना चाहते थे। जिसके बाद वो तीनों एक बच्चा गाड़ी लेकर वापस अनाथालय पहुंचते हैं, जो कि अब बंद हो चुका है। लेकिन तभी वो देखते हैं कि अनाथाश्रम के बगल में एक नया आश्रम खुल चुका है, जो कि आश्रम के साथ साथ मसाज सेंटर भी था। हम सिस्टर्स को देखते हैं जो कि स्विमिंग पूल के किनारे धूप के गहरे मजे ले रही है और अपनी लाइफ के कांचे काट रही है। सब कुछ शानदार था, बच्चे खूब इंजॉय कर रहे थे। आगे बच्चे जब उन तीनों को देखते हैं तो दौड़कर उन्हें गले से लगा लेते हैं। वो तीनों सिस्टर से कहते हैं, हम अनाथाश्रम के पैसे जुटाने में नाकाम रहे। सिस्टर कहती है, नहीं, तुम हमारा नया घर देखो, कितना गजब का है। वो पूछते हैं, इस सब के पैसे किसने दिए? तभी वहाँ पर बिग बॉस की गांड में दो लंड का मैनेजर आता है, जिसने पप्पू आइंस्टाइन को अपने शो में काम करने दिया था। वो कहता है, ये सारे पैसे पप्पू तुम्हारी जेब से आए हैं, क्योंकि ये सारे पैसे तुमने कमाए थे। जिसके बाद वो उन तीनों को एक नए शो के लिए हायर कर लेता है। और हम मर्फ को देखते हैं, जो कि अब बिल्कुल ठीक हो गई थी, जिसको कोई कैंसर वैंसर नहीं था, बल्कि उसे मेटल पॉइजनिंग हुई थी। आखिर में जगत झाटू अपनी नई फियोंसे के साथ अनाथाश्रम आता है, जहां वो मर्फ को गोद लेना चाहता है, लेकिन मर्फ उसे मना कर देती है अपने दोस्त मित्सोनी के चलते, क्योंकि वो उसे अडॉप्ट नहीं कर रहे थे। जिसके बाद वो तीनों अपनी बकचोदिया करने में लग जाते हैं, जिसमें वो एक नन को पूल में फेंक देते हैं। और हम समझ जाते हैं कि उन चूतियों की चूतियापंथी कभी खत्म नहीं होने वाली। जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक सुझाव जरूर देना चाहूंगा, कृपया करके ये भाणचोद मूवी गलती से भी मत देखना, क्योंकि ये मूवी मूवी नहीं, गांड का और सर का दर्द दोनों एक साथ है।